हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, हमारे तीन कार्य शेष बचे हुए थे। पहला कार्य था अध्यक्ष की नियुक्ति, दूसरा कार्य था परीक्षक नियंत्रक और तीसरा कार्य था वेबसाइट का डिजाइन, जिसमें से दो कार्य हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप जानते हैं कि जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है और जो हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। बचा वेबसाइट का डिजाइन, और हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर ही ये वेबसाइट का पोर्टल भी ये डिजाइन करके तैयार कर दे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो समय है इसको बिल्कुल भी लापरवाही में व्यर्थ ना करें। ये समय आपके लिए बहुत ही अनमोल है। यदि आप चाहें तो इस समय पढ़ करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं और अपना एक सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वाले हो या आप टीजीटी पीजीटी की भर्ती वाले हो। ठीक है, आपको समय देना है सिर्फ अपनी पुस्तकों को। मोबाइल छोड़ दीजिए, फोन सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करो और मेहनत करो। ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग अब बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि आपकी परीक्षा जो होंगी वो इसी वर्ष हो जाएंगी। रिजल्ट चाहे 2025 में आए, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो इसी वर्ष होकर रहेगा। ठीक है, सितंबर तक इन्होंने कहा है कि हम परीक्षा कैलेंडर भी जारी करा देंगे। और यदि सितंबर तक आपका परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाता है तो विश्वास मानिए, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आपकी नवंबर या दिसंबर तक शायद हो जाएंगे। मैं ऑफिशियली तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने तरीके से अनुमान लगा सकता हूं कि हाँ, नवंबर या दिसंबर तक आपकी जो परीक्षा है वो कंप्लीट हो जाएंगी। चाहे रिजल्ट देर सवेर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमारा एग्जाम करा दे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 2 साल से हमने इतना वेट किया ना, वो हमें समझ सकते हैं, ये आयोग के अधिकारी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनका जीवन सफल है, उनकी तो महीने की सैलरी आ रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है ना आज के टाइम में, वो बहुत दुखी इंसान है। आज की डेट में बहुत ही दुखी इंसान है। एक न एक परिवार में सरकारी नौकरी होना बहुत ही जरूरी दोस्तों। वही परिवार में खुशियाँ लाता है, वही परिवार के प्रत्येक सदस्य का जीवन संवारता है। तो दोस्तों, ये समय है आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही मूल्यवान समय है आपके लिए। अब आप इसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आप इसका यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसे कोई नहीं समझ सकता। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे पढ़ करके या मेहनत करके खत्म करें या अपने मौज मस्ती में खत्म करें। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।